हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कॉलेज के प्रिंसिपल को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। सरहद अपार्टमेंट में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कॉलेज के प्रिंसिपल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के चौटन में जोधपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरआरटीटी कॉलेज के प्रिंसिपल नारायण सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया है। वहीं कॉलेज के निदेशक जगदीश विशोई की तलाश में एसीबी जगह जगह दबिश दे रही है। जानकारी के मुताबिक कॉलेज प्रिंसिपल नारायण सिंह विशोई को एसीबी ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। परिवादी सोहनलाल निवासी रामसर ने जोधपुर एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई कि वो प्रथम वर्ष का नियमित छात्र है, उसकी उपस्थिति पूर्ण होने के बावजूद अवैध रूप से रिश्वत लेने की मंशा के अनुरूप उसकी कम उपस्थिति दर्ज की जा रही थी, जिस पर एसीबी ने सत्यापन कर आरआरटीटी कॉलेज के प्रिंसिपल नारायण सिंह व निदेशक जगदीश विशोई ने रिश्वत की मांग की थी, जिस पर जोधपुर एसीबी के निदेशक संग्राम सिंह ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रिंसिपल नारायण सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वहीं निदेशक जगदीश विशोई की तलाश जारी है। बाड़मेर के चौटन में आरआरटीटी बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल नारायण राम विशोई पर बायोमेट्रिक उपस्थिति एसएस स्कॉलरशिप फॉर्म भेजने की अवज में रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी, जिस पर जोधपुर एसीपी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत की राशि को लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई जोधपुर एसीपी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित के निर्देशन में एसीपी निरीक्षक संग्राम सिंह ने करते हुए ये गिरफ्तारी की है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए संग्राम सिंह निरीक्षक एसीपी जोधपुर इन्होंने ये कहा। रामसर निवासी श्री सोहनलाल ने स्पेशल यूनिट जोधपुर में भ्रष्टाचार संबंधी एक शिकायत दी, जिस पर एडिशनल एसपी महोदय ने योजनाबद्ध तरीके से इसका सत्यापन कराया और सत्यापन के पश्चात अग्रिम कार्रवाई के लिए आज टीमें भेजी गई और टीमों ने चौटन के अंदर आरआरटीटी कॉलेज के कार्यालय में वाकलसर बस्ती के अंदर ट्रैप की कार्रवाई आयोजित की। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।